Now, मैं इसी समय एक सिचुएशन डिस्क्राइब करता हूं. रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम, कुछ एजम्पशन लेकर हम इस सिचुएशन को समझेंगे और इक्वेशन लिखेंगे. दिस इज रॉकेट इनिशियली एट रेस्ट हैविंग मास एम नॉट. इनिशियली रॉकेट एट रेस्ट एंड हैविंग मास एम नॉट. ये रॉकेट है इनिशियली रेस्ट पर है. इट स्टार्ट्स इजेक्टिंग गैसेस. गैसेस इजेक्ट करने लगता है. द रेट ऑफ मास इजेक्शन इज म्यू एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट. रेट ऑफ मास इजेक्शन इज म्यू इट्स माइनस डीएम बाई डी टी एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट. द रेट ऑफ मास इजेक्शन, ये रॉकेट जो मास इजेक्ट कर रहा है उसका रेट बिल्कुल कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट रेट से गैसेस उसमें से निकल रही है और वह जो कॉन्स्टेंट रेट है दैट इज म्यू. क्योंकि गैस निकल रही है इसलिए यह माइनस जीएम बाई डी टी नेगेटिव होगा और यह कॉन्स्टेंट है. Then also says that the mass is ejected with constant relative velocity u and mass is ejected at constant relative velocity u. ये जो mass eject हो रहा है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, इट्स यू. जब यह मास इजेक्ट होएगा तो धीरे धीरे रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. एज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस. एज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस. इस एजम्पशन का मतलब क्या हुआ? वहां कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई किसी प्लैनेट का, अर्थ का कोई अट्रैक्टिव फोर्स, कोई पुल नहीं है. एज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस. अब हमें समझना है व्हाट इज मास ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम टी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम टी, what is velocity of rocket when its mass is m, what is mass after time t, what is velocity of rocket after time t, and also what is velocity of rocket when its mass reduces to m. इस तरह की बात हमसे पूछी हुई है. First of all, understand that it's a continuous mass variable system. यह जो system दिया गया है यह continuous mass variable system है और इसमें से mass decrease हो रहा है. It's continuously mass decreasing system. यदि यह continuously mass decreasing system है तो उसी समय हमने एक इक्वेशन जो डिराइव कर रखी वो इमीडिएटली हमारे दिमाग में आना चाहिए. हम कहेंगे वन शुड अप्लाई दिस इक्वेशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम डीवी
by dt plus u relative dm by dt. As I told you, this is a generalized equation, will always apply. We need to memorize this equation. हमें रटने की आवश्यकता होती है. जब भी ऐसा कोई सिस्टम दिया जाए तो सीधा सीधा एकदम से अप्लाई करना है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट एक्सटर्नल मास, एक्सटर्नल फोर्स. इस रॉकेट पर किसी भी समय, किसी भी इंस्टेंट पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? यदि यह एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो किसी भी तरह से, किसी भी वजह से कोई फोर्स हो ही नहीं सकती. देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. एम इज इट्स मास एट एनी टाइम, किसी भी समय पर इसका मास एम. dv by dt, अभी भी मैं ऐसा कैसे लिखता हूं. u relative is the relative velocity of the ejected gases. dm by dt, अभी भी ऐसा कैसा ही लिखता हूं. अब यह dt ऊपर जाकर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा और इक्वेशन बची रह जाएगी एम डी वी प्लस यू रिलेटिव डीएम. अब मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेता हूं, एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू रिलेटिव डीएम. अब मैं dv को इधर ही रहने दूंगा, m जो कि एक वेरिएबल है इसको dm के साथ नीचे लिख दूंगा. dv इज इक्वल टू माइनस u रिलेटिव इन टू dm अपॉन m. अब हम कहते हैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करा जा सकता है. डिस्क्रीट मास वेरिएबल सिस्टम में सॉल्व करना इजी होता है, कंटिन्यूअस मास वेरिएबल सिस्टम में यू वुड नीड इंटीग्रेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशन. कंटिन्यूअस मास वेरिएबल सिस्टम में जनरली हमें इंटीग्रेट करके ही, इक्वेशन को सॉल्व करके हम रिजल्ट्स और आंसर को ऑब्टेन कर पाते हैं. बस इंटीग्रेट करने से पहले इक्वेशंस को सही से लिखना, सही से अरेंज करना, वह एक चैलेंज होता है. मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रल ऑफ डीवी. अब माइनस यू रिलेटिव इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, माइनस कांस्टेंट यू रिलेटिव कांस्टेंट उन्होंने दे रखा है. मास इज इजेक्टेड एट कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी यू, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, माइनस यू इज अ कांस्टेंट. इंटीग्रल कांस्टेंट को हमने इंटीग्रल के बाहर लिख दिया डीएम बाय एम. जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इमीडिएटली हमें लिमिट्स भी आइडेंटिफाई करके लिख देना चाहिए. इंटीग्रेट करते से ही लिमिट्स को आइडेंटिफाई करके जरूर लिख दें, अपर और लोअर लिमिट जरूर लिखें. हम कहेंगे व्हेन इनिशियली एट जीरो टाइम, इनिशियली एट जीरो टाइम रॉकेट एट रेस्ट एंड मास ऑफ एम नॉट. तो इनिशियली रॉकेट रेस्ट पर है और मास एम नॉट है. आफ्टर सम टाइम उस रॉकेट की कुछ वेलोसिटी वी हो जाएगी और मास एम रह जाएगा. अब हम कहते हैं
इंटीग्रल ऑफ डीवी होता है v। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट से इस तरह से लिख दी जाए 0 टू v इज इक्वल टू, माइनस u ऐसा का ऐसा ही, डू somebody नो वॉट इज इंटीग्रल ऑफ dm बाय m, dm बाय m का इंटीग्रल क्या होता है, इट्स नेचुरल log m, log m टू द बेस e, इट्स नेचुरल log m और log m टू द बेस e, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स इस तरह से लिख दी जाए। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू माइनस u, अपर लिमिट ln m माइनस लोअर लिमिट ln m नॉट, और v इज इक्वल टू माइनस u ln a माइनस ln b इज ln a अपॉन ln b, सो ln ऑफ m अपॉन m नॉट, माइनस अंदर ले जाऊं तो मैं लिख दूंगा वेलोसिटी व्हेन मास इज m इज इक्वल टू u ln ऑफ m नॉट अपॉन m, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। पहले इट्स मास इज m, माइनस अंदर गया m नॉट और m उलट गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर यहां लिखेंगे। हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द मास, मास एट एनी टाइम, तो उसके लिए हम सीधा सीधा इक्वेशन, हमें दिया हुआ है प्लस डीएम बाय डीटी इज म्यू, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे, dm इज इक्वल टू माइनस म्यू dt, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ dm इज इक्वल टू माइनस म्यू कॉन्स्टेंट है इंटीग्रल ऑफ dt, माइनस म्यू कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रल के बाहर, इंटीग्रेट करते समय लिमिट्स जरूर एड सब्स्टिट्यूट करना है, इनिशियली जीरो टाइम पर मास इज एम नॉट, जीरो टाइम पर मास इज एम नॉट, आफ्टर सम टाइम टी द मास डिक्रीजेस टू एम, नो व्हाट इज इंटीग्रल डीएम, इट्स एम, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स ऐसे एम नॉट से एम माइनस म्यू, इंटीग्रल डी टी एस टी फ्रॉम जीरो टू टी, अब लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर दें, एम माइनस एम नॉट, एम माइनस एम नॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू t माइनस जीरो, और m इज इक्वल टू m नॉट माइनस म्यू टी, जैसे m आफ्टर टाइम t इज m नॉट माइनस म्यू टी,
देयर इज मास आफ्टर टाइम टी. और ऐसे भी सोच सकते हो, यदि कांस्टेंट रेट से मास कम हो रहा है, कांस्टेंट रेट म्यू से मास कम हो रहा है, तो टी टाइम में म्यू टी मास कम हो जाना चाहिए. ओरिजिनली मास एम, टी टाइम में म्यू टी मास कम हुआ तो एम माइनस म्यू टी, इंटीग्रेट करके वही चीज आती. वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, भाई वेलोसिटी व्हेन मास इज एम तो निकाल ही लिया. यू लॉन एम नॉट बाय एम की जगह ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं, बस एम की जगह पर सिर्फ यह एक्सप्रेशन लिख दिया जाए, वेलोसिटी एट टाइम टी इज यू ऐसा का ऐसा ही, लॉन एम नॉट ऐसा का ऐसा ही, और एम की जगह पर हम लिख देते हैं एम नॉट माइनस म्यू टी. We may come across such type of problems over variable mass system. हमें दिमाग लगाना होता है, इस तरह की इक्वेशन हमें पूछी जाती है. बेसिक इक्वेशन तो हमने यही अप्लाई करी. इस बेसिक इक्वेशन में सबसे पहले यह समझा कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, और इन्हें लिखा डी टी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन लिखी, उसको रीअरेंज करा, फर्दर रीअरेंज करके फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दिया. इस तरह से हमें वेलोसिटी एकदम से मिल गई. इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखा तो वेलोसिटी व्हेन मास इज एम, जब भी रॉकेट का मास एम होगा तो उसकी यह वेलोसिटी होगी. किसी भी समय पर रॉकेट का मास कितना होगा उसके लिए यह इक्वेशन लिख दी. किसी भी समय पर रॉकेट का मास क्या होगा उसके लिए इक्वेशन लिख दी. बड़े ध्यान से देखिए, दिस इज कंटीन्यूअस मास वेरिएबल सिस्टम.